दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति किचन में। आज हम बना रहे हैं सहजन आलू की सब्जी नए तरीके से। तो हमारी सहजन की सब्जी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा सहजन और आलू बॉयल हो रहा है। लगभग ये 5 से 10 मिनट तक बॉयल होंगे। यहाँ हमारा सहजन बॉयल हो चुका है, इसे हम नीचे रख लेंगे। सहजन को मैं निकाल लेती हूँ। हमारा पैन गरम हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों तेल डालूंगी। ये जीरा, तेजपत्ता, मरीच, सूखी मिर्च, लहसुन, अदरक। यहाँ मैं 2 छोटे प्याज कटे डाल रही हूँ। 2 छोटा टमाटर, मूंगफली, इसे मैं थोड़ी फ्राई करूंगी। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा मरीच धनिया 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसे अब मैं थोड़ा भूनूंगी। इसे ढककर मैं लगभग 2 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। बीच बीच में इसे चलाती रहे। मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसे मैं ठंडा करके मिक्सी के जार में पीस लूंगी। यहाँ मसाला मेरा पीस चुका है। अब मैं इसे डालूंगी। बचे हैं इसमें थोड़ा पानी डाल के डाल दूंगी। इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल न छोड़ दे पाए। मसालों को अच्छे से भूने। अब मैं इसमें डालूंगी नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को मैं डाल रही हूँ और इससे सहजन आलू की सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। मसालों का कलर मेरा चेंज हो चुका है, इसका मतलब कि मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें 1 छोटा ग्लास पानी डालूंगी। पानी की क्वांटिटी मुझे कम लग रही थी, इसलिए मैं 1 गिलास और पानी डालूंगी। अब मैं इसमें सहजन और आलू डाल देती हूँ। सहजन आलू डाल के लगभग इसे 5 मिनट तक मैं पकाऊंगी। हमारे सब्जी बनके तैयार हो चुका है। है मेरी सहजन की सब्जी। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।